हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये लोग भजिया खा रहे हैं, भाई भजिया हैं थोड़े से भाई। मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा सा भजिया। सर अभिषेक भी खा रहा है, मुझे दिख रहा होगा। और मैं अपनी कार में बैठ जाता हूँ। इधर है गाड़ी। यस हाय। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए अपन? निरंजन भैया से पूछते हैं ना। रंजन भैया से, रंजन निरंजन नहीं, रंजन। रंजन भैया कहाँ पहुंच गए अपन? अंकुल फादर। ये रंजन भैया हैं, ये यही मुनिगुड़ा में रहते हैं। हाय। और क्या करते हैं भैया? मैं सुपरवाइजर हूँ, न्यूट्रिशन का सुपरवाइजर हूँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। हाँ। मेरा नाम रंजन है, MSW। MSW तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं फील्ड वर्क में। एंड ये भैया लोग भी आए हैं। सो देखते हैं, हमारे दोस्त लोग भी पीछे हैं अभी। और मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इधर। ये लोग भी खड़े हुए हैं, भाई लोग अपने भाई 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 भाई। और अब मैं देता हूँ ये वाला फ़ोन किसको? सोनिया को देता हूँ। सोनिया आप लोगों को बताएगी। सोनिया लो ना, बनाओ ना तुम व्लॉग, बनाओ ना। अरे नहीं बनाओ ना, ऐसे करके ऐसे करके बनाओ। नहीं नहीं तुम बनाओ। नहीं तो फिर क्या मतलब फिर? हाँ चलो चलो सोनिया कुछ बोलो, बनाओ तो। ये लवेश बड़ी। और ये इसको भी दिखाओ, ये कौन है तुम्हारी? ये खाला। ये इनकी खाला। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू कहाँ है? अब्बू ये रहा। अब्बू ये रहा। अब्बू नहीं, ये 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 अब्बू ये रहा। अब्बू ये है ना। चलो आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार दादा, केमो अच्छी? बोल 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 बोल। नमस्कार दादा, केमो अच्छी? अम्मा नमस्कार, केमो अच्छी? तो यहाँ पे मैंने सबसे नमस्कार किया कुछ कुछ लोगों से, और उनसे ये भी पूछा केमो अच्छी। केमो अच्छी मतलब कैसे हैं आप? ओके। और रंजन भाई से अपन और पूछ लेते हैं कि मतलब कि क्या अपन उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं कुछ कुछ बातें। दादा नमस्कार, केमो अच्छी? भालो उनसे बात कर रहा हूँ ना मैं, केमो अच्छी करके। और नमस्कार अम्मा जी। ओए अम्मा जी केमो अच्छी? हम तुम आके भालो बासी। ओके चलिए ठीक है। इनको कोई भाषा नहीं आती। और यहाँ पे हाय बेटू। गाइस ये बेटू, बेटू तोमर, सारी लड़कियाँ इनको बेटू बोलती है। लड़के भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लड़के भी बोल देते हैं, लड़कियाँ बहुत प्यार से बोलती है बेटू। और क्या, दिल भाग भाग हो जाता है। ओह माय गॉड। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। अम्मा कैमे चो अच्छो, कैमे चो अच्छो। योजना के बारे में बहुत कल बात कर रहे थे ना, गवर्नमेंट योजना इनके लिए आया, इनके घर नहीं था तो घर आया, गवर्नमेंट की तरफ से घर आया। कैमे चो अच्छो, प्रधानमंत्री आवास ऐसा कुछ होता है तो वो गुड। बगल में जो दीवार है ना, वो उनके बेटा और उनके हस्बैंड दोनों को मतलब उनके ऊपर गिर गया। ये रंजन भैया कुछ बता रहे हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं और ये लोग ऊपर बैठे हैं। और ऐसे नहीं, अभी ये लोग हैं, अगर हम लोग आप लोग आए हैं बोल के ये लोग यहीं पे हैं। आप लोगों को इंतजार की, आप लोगों को इंतजार करके ये करना पड़ता है इनको, और कन्विंस करना पड़ता है जो टैक होल्डर है उनको, ठीक है ना, दोनों को, कम्युनिटी को। अब हम लोग जा रहे हैं न्यूट्री गार्डन देखने के लिए। किधर है न्यूट्री गार्डन? इधर आगे पीछे है, आगे थोड़ा है। अच्छा क्यों भैया, यहाँ पे कितने लोग रहते होंगे लगभग? लगभग ये गांव में कितने लोग रहते होंगे? 200 है ना। ओके 200 क्या नाम है? मतलब 200 मतलब आंगनवाड़ी को और यही टेक विलेज को सबको मिला के 200। हाँ 200 सिर्फ इस अंकुला
अच्छा छोटे गांव मतलब ज्यादा जनसंख्या वाले गांव नहीं है, करीबन 100-120 के अंदर होंगे। चलो अब हम जा रहे हैं हाँ न्यूट्री गार्डन देखने के लिए, देखने ये वेजिटेबल्स कैसे हैं। अम्मा लोगों से बात करने चला भाई। और अम्मा केवन आछो केवन आछो बोलो बोलो नाम 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 उड़िया रे कोई जानबो। अच्छा और नाम 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 होई हमें उड़िया रे कोई तो मैं जानबो की इंग्लिश हमें पवन कुमार मी भोपाल एमपी। केमन आछो अम्मा नमस्कार केमन आछो भालो अच्छी भालो भालो गुआवा। ये इधर बनाया हुआ है न्यूट्री गार्डन, इसमें न्यूट्रिशियस फूड जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह ये लोग लगाते हैं। और ये भैया से बात करते हैं, भैया हिंदी हिंदी ये भैया हिंदी जानते हैं थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत की अच्छी जानते हैं हिंदी? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं थोड़ा थोड़ा तो बताएंगे। चलिए अपन चलते हैं। क्या नाम है आपका? आपका रोमिया। रोमिया उड़िया में अगर बोल रहा हूँ आपकी लैंग्वेज में क्या नाम है तो कैसे बोलेंगे? नहीं नाम नाम पूछना हो, क्या नाम है आपका? तो तुमो नामो की नामो देवाशी यादव। तुमो नामो की नामो आनंद सिंह। तुम की करो छे? आमी बीएसएस आईएएस कॉलेज में पढ़ो छो। यहाँ क्या करने आए हो? आमी न्यूट्रिशन गार्डन एंड वगैरह वगैरह करो छो। ये क्या लोटी है? लोटी। अच्छा क्या बोल रहे हैं भैया ये बताना जा रहे हैं? हिंदी पानी पी सकते हैं। अच्छा इसे पानी मतलब एक्सेंट समझ में आ रहा, पर ये कुकी लैंग्वेज बोल रहे हैं ना? कोई 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 हाँ कोई में गिलास पानी पी बो हमें एटा सोच भी हम पानी पी बोले। देखिए और ये भाई का नाम क्या था? क्या नाम था आपका? रोमियो। रोमियो इनको आती है हिंदी। और आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम सदानंद सिंह का। यू ऑल्सो हिंदी? मेरा नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम क्या नाम? पुरुषोत्तम ना, पुरुषोत्तम कर रखा। पुरुषोत्तम आप लोग सब यहीं इसी गांव से हैं? इसी गांव का। अच्छा अच्छा हम लोग क्या भोपाल से आए हैं और देखने के लिए भाई क्या चुनौतियां हैं ग्राउंड लेवल पे? ये सब हमने किया मैंने खुद ही किया है। अच्छा उन लोगों के लिए जो बच्चे लोग है ना खाना खाते हैं इसमें मिला के खाना खाने के लिए देने के लिए। हाँ क्योंकि वो यहाँ पे हरी सब्जियां नहीं मिल पाती है ना, तो बच्चे खा रहे हैं? आप थोड़ा सुबह से आया होता तो देखते होगा। अच्छा अच्छा और जैसे अपने को अगर ये तो चलो ठीक है दूध वगैरह गाय का नहीं। तो इनके पास गाय वगैरह तो है ना? लेकिन दूध नहीं निकालते इधर। अच्छा मतलब दूध निकाल नहीं सकते क्या? दूध निकाल सकते लेकिन नहीं निकालते। अच्छा मतलब वो रिवाज में नहीं है निकालना है ना? नहीं निकालना रिवाज में है, वो लोग है ना उसको नहीं बांधते, उसको एक रूम में भर्ती कर देते तो वो गाय है ना उनको छूने के लिए नहीं दे रहा है। अच्छा पर अब तो मतलब पहले से काफी बेहतर होगा ना, मतलब इनका बच्चे वगैरह पहले से माल न्यूट्रिशन कम हुआ होगा? कम अभी अभी तो बहुत साल भी नहीं हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ अभी तक। अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा तो एक ही बार में तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। सही बात है। तो आप लोग हर्षा ट्रस्ट से मतलब कैसे जुड़े, मतलब ये जो ट्रस्ट है? मैं तो पहले से काम कर रहा था, कोविड वो जो ना था हाँ। जो चल रहा था वहीं पे
वैक्सीनेशन के ओर से मैं काम कर रहा था। तो वहीं से यहाँ पे सेटल हो गया। चलिए, और आप? मैं तो पहले बार एक हर्षा ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। कुछ भी अच्छा अच्छा पहले बार हर्षा ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम था? सदानंद सिको का। सदानंद, और उनका पुरुषोत्तम कर रहे। पुरुषोत्तम, और ये रोबिन? रोमियो। रोमियो रोमियो रोमियो। तो वो जो वो बच्चे दिख रहे हैं सामने, ये जो बच्चे हैं, इनसे अपनी बात हो सकती है थोड़ी बहुत? अभी बाद में जब जा रहे होंगे तो हाँ, मतलब उड़िया में बात कर लेंगे वो, और अपन थोड़ी ट्रांसलेट कर लेंगे उनसे, उनको भी अच्छा लगेगा अगर करेंगे तो। ये लगे हैं इधर, ये टमाटर है, ये टमाटर है, ये टमाटर है, अभी लगे नहीं है टमाटर, नहीं अभी टमाटर। ये चिल्ली है, अभी फूल आ रहा है, ये चिल्ली है, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, और इधर सारी वेजिटेबल्स लगी हैं, कद्दू वगैरह। उधर क्या लगा है? और तो दिखा रहे हैं वहीं पे भी है पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़। अच्छा अच्छा, पपीया का, केला का भी पेड़ है वहीं पे। चलिए उधर चलते हैं, उधर देख के आते हैं। फिर क्या बता रहे हैं आप? एडा वेजिटेबल के भाव तो बेटा खुद तो बनाओ उसको, कोई इटा इटा जाने पे ये तो खाद बनाने के लिए हो जाता होगा ना ये वेस्ट। इधर नींबू नहीं लगे? हाँ नींबू है ना, नींबू अभी है नहीं, है नहीं मतलब पेड़। ये नींबू का पेड़ है ना ये तो, और ये इधर और है, ये है ना आनंद भैया। हाँ हाँ आ रहे हैं, ये दिखाते हैं। अच्छा, यही के इस एरिया का एक स्पेशल बीन्स है ये वाला पेड़। अच्छा, स्पेशल बीन्स है, इसमें ना छोटा छोटा फल होता है, दिखाता हूँ मैं आपको, फल दिखाता हूँ। हाँ, ये अंदर ये कच्चा वाला फल को खाते हैं, सूखा हुआ नहीं खाते। क्या बोलते हैं इसको? इसको कौन कोई बेरे ए पुरुष तम एटा कौन कोई बीरी कोई बेसार बीरी झटा बोलते हैं उसको, ग्रीन मतलब ग्रीन को तोड़ के मतलब सब्जी बना खाते हैं, जैसे कि इसे तोड़ते हैं तो फिर एक इसका जो बीज निकलता है ना, ये वाला बीज बहुत टेस्टी होता है और बहुत न्यूट्री होता है। अच्छा, यही वाला बीज को ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं और उसे सब्जी बना के भी खा सकते हैं। बताइए, मैं खा के देखता हूँ मैं। ठीक ठीक भैया, तो ये क्या नाम बताया आपने? बीरी। बीरी जोटा 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 बीरी जोटा बीरी जोटा। हाँ, तो इसको अपन खा सकते हैं, ये काफी टेस्टी है ये। तो ये यहाँ पे ये सब न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं उन्हें अवेयर करवाया जा रहा है कि सब्जियाँ भी होती हैं, क्योंकि ये लोग सब्जियाँ ज़्यादा खाते नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने खाई नहीं है अभी तक। ये दिखाई? हाँ ये दिखा ना, ये वैरायटीज टाइप का साग है। अच्छा, साग है ना ये? अलग अलग किस्म का, अलग अलग का मिक्स होगा ना। तो जैसे रंजन भैया, ये लोग आप लोगों ने लगवा तो दिया, पर इसको बनाना, ये बना कैसे पाते हैं फिर इसे? ये ना हम नहीं लगाए हैं ये लोग, हम लोग बस उनका माइंड को स्ट्रेंथन किए हैं। वो लोग खुद बनाए हैं। अच्छा। वो लोग खुद उसको मतलब पहले नहीं जानते मतलब इसका विटामिन्स क्या है, इसमें क्या होता है, इसको कंज्यूम करने से हम लोगों का बॉडी में क्या मतलब चेंजेस होता है, यही सब उन लोगों को समझाए तो वो लोग समझ के वो खुद बनाए हैं, हम नहीं बनाए। ये तो बना तो लिया। अच्छा, करेला? हाँ वो तो सबको सबको। तो जैसे मतलब इनको बनाना आता है ना, पर कि आप लोगों ने वो भी सिखाया है? नहीं, वो तो हम लोग मतलब कि छोटा छोटा मीटिंग करके ना हम लोग इनको सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा बोलते हैं। ओके, बस ओके, हम ओके। सिखाते हैं, और जो बीज वगैरह होता है ना, हम लोगों के जो विलेज लेवल में वर्कर हैं, उन लोगों को वो विलेज लेवल के वर्कर लेके आते हैं और वही बीज देते हैं, वो लोग खुद बनाते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी खुद बना रहे हैं, पहले नहीं बना रहे थे। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं, ये जो बड़े हो जाते हैं, तो मतलब इनको खाने की आदत पड़ रही होगी अब, है ना? अभी इन लोगों को खाने की आदत मतलब करवा रहे हैं। ऐसा दिन आए, हम लोगों का लक्ष्य ये है
कि ऐसा दिन आए कि इन लोगों को यही सब खाने की मतलब कि आदत पड़ जाए और कोई भी बच्चा मतलब कि आईएमआर ना हो। हाँ वो ही वाकई में इन्फेक्ट मोर्टालिटी रेट, इन्फेक्ट मोर्टालिटी रेट हमारे एरिया में ना हो, हम लोगों का लक्ष्य वही है। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि जो कुपोषित है ना उन लोगों को सही करना और एरिया में पोषण को, पोषण की स्थिति को उन्नत करना, जैसे गर्भवती माँ और जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों का पोषण की स्थिति में उनको उन्नत करना, सही बनाना हम लोगों का मतलब लक्ष्य है, गोल है। बिल्कुल वाकई में जब ये ग्रोथ करेंगे जभी तो अपना भारत ग्रो करेगा ना, इंडिया साथ में ही। हाँ इनका जरूरी मतलब ग्रोथ है वाकई में, मतलब सही इनिशिएटिव है हर्षा ट्रस्ट का। थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ हो रही है, जरूरी भी है और यहाँ पे आके काम करना, भाई शहरों में तो हम लोग बहुत आसानी से काम कर लेते हैं पर इस जगह में, इस जगह में आके लोगों के लिए काम करना ये सेवा, सेवा है एक तरीके की, है ना, सेवा ही है और क्या है। तो इस बच्चे का नाम क्या है वैसे? पवन कुमार। हाँ अभी तो देखा था इसे पवन कुमार को, मिले थे ना। हेलो पवन कुमार, ये रुक जा, पवन कुमार से हाथ मिलाते हैं। हाय पवन कुमार, ये था पवन। तो अब चलते हैं उधर और देखते हैं अपन। तुम्ही नाम का? अर्जुन। रोमियो, और आपका क्या नाम है? प्रतीश। हाथ में लाइए यार आप। और कैसे? बस बढ़िया, हम लोग भोपाल से आए हैं। नहीं आपको तो मैं उधर गया था। कैसा लगा? बढ़िया, बिल्कुल अच्छा लगा। कभी और कभी अगर मौका मिला तो आएंगे दोबारा से। ट्राइबल्स रहते हैं ना पूरे यहाँ पे। ये जो जमीनें दिख रही हैं जितनी भी हैं ये सब आपकी हैं, मतलब गांव के लोगों की है? हमारी है। अच्छा अच्छा, और जैसे बच्चे वगैरह जो है यहाँ पे स्कूल जाते हैं? जाते हैं, गांव में स्कूल नहीं, बच्चे सब। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब जो बच्चे हैं इस गांव में कितना पढ़ लिए हैं? डिग्री तक पहुँच गए हैं मतलब? हाँ। आप लोग जैसे? हाँ। अच्छा, मतलब डिग्री तक भी आप लोग पहुँच गए और बच्चे मतलब कुछ नौकरी वोकरी में भी लग गए? हाँ। कहीं ना कहीं के तो लगी है, भुवनेश्वर में। अच्छा। तो कौन दिल्ली में भी है। तो अभी जो सब्जियाँ ये खा रहे हैं ना आप लोग बना के, मतलब बना के? चलिए बढ़िया है, तो उधर और देख लेते हैं अभी। ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं? ये कुआ है ना? ये तो बहुत सारी बातें हो गई गांव के लोगों से और अभी यहाँ से मुझे लगता है, क्यों रंजन भैया मेरे अपने को निकलना है क्या यहाँ से? हाँ हाँ, अभी हम जा रहे हैं एक दूसरे गांव में, गंगर पड़ा बोल के, वहीं पे हम लोग जो रेड जोन में जो बच्चे हैं ना उनको कैसे हम लोग मतलब रेड जोन से निकाल के ग्रीन जोन में लाए, वही देखने जा रहे हैं। चलिए अपन चलते हैं, अब वहीं पे चलते हैं क्योंकि फिर क्या वीडियो लंबा हो जाता है फिर। हाँ, ठीक, ठीक। तो और ये अम्मा लोग बैठी हैं ना इधर? अम्मा लोग। अच्छा अच्छा, इनके घर हैं ये, तो मतलब कुछ सरकार और मदद करती है क्या मतलब इनके घर बनाने में कि मतलब जैसे चल रहा है? पहले तो कुछ नहीं था, अभी धीरे धीरे मतलब हम लोगों के इनिशिएटिव से मतलब कि लोगों को मिलने लगा है। नमस्कार अम्मा, नमस्कार अम्मा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, केमन आछो? केमती अच्छो, केमती अच्छो, केमती अच्छो, पचार चंती। चलिए चलिए, तो इन सब से बात हो गई और हमारी गाड़ी उधर को खड़ी है वो दूर पे, तो वहाँ से कहीं और निकलते हैं। सो दूसरे डेस्टिनेशन में देखते हैं। रंजन भैया कहाँ आ गए अपन? कौन सा गांव बताया था आपने? गंगरपुड़ा। गंगरपुड़ा,